डॉक्टर ने कहा है मायरा को और एक दो दिन यहाँ रखना पड़ेगा। सुना मैंने। Oh my God, Ramona, क्या हो गया? Oh my God, तुम गिर कैसे गई? करीना दी कब से लेके रो रही थी मायरा की चिंता में। देखी ना शायद इसकी बीपी लो हो गई होगी। डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए। No, Karan, please no, कोई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। वो एक्चुअली आप उठिए तो सही। मुझे मेरी बीपी की goodness, sorry, actually मैं अपनी बीपी की दवाई घर पे भूल के आ गई इसलिए। Oh God, I think we should go home. नहीं नहीं, मैं मायरा को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। आंटी आप घर पे जाइए, मैं मायरा के साथ हूँ। I'll take care of that. आपने सुना ना करण ने क्या कहा, वो मायरा की देखभाल कर लेगा। आप चलिए घर चलिए, अपनी हेल्थ की देखभाल कीजिए। चलिए मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ। Okay. हेलो शर्लिन, शर्लिन रमोना जी की तबीयत खराब हो गई है, हम सब घर जा रहे हैं। अगर तुम चलना चाहती हो तो इसी वक्त हमसे पार्किंग में मिलो। या सी यू। शिशि एक काम कर, तू ना बाहर जाकर करण को फोन कर और उसे बता दे कि मालूत्रा हाउस आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि मालूत्रा हाउस पहुंचे इससे पहले वो कुछ कहे, सब लोग उन पर गुस्सा निकालना शुरू कर दे, उनकी बात ही ना सुने। अगर हम करण को पहले ही बता देंगे तो वो सबको शांत रखेगा और माँ के आने पर सब कुछ मैनेज कर लेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं करण सर को फोन करती हूँ। क्या पता करण सर माँ के साथ यहाँ पर आए आपको बाहर निकालने के लिए। और वैसे भी वो तो लूथरा फैमिली के मेंबर है ना, लूथराओं ने आप पे केस किया है ना। अगर करण सर केस वापस लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तो वेट क्या कर रही है, चल फोन उठा और जा करण को फोन कर फटाफट। अभी करके आती हूँ। अच्छा सुन, क्या? जब करण फोन उठाए ना तो सबसे पहले उसे कहना कि मेरी कोई गलती नहीं है, प्रीता ने कुछ नहीं किया। ठीक है, चल मैं जल्दी से फोन करके आ रही हूँ। पुत्र, तूने उसकी दादी का इलाज किया है ना, उनको ठीक किया है ना, तो हो सकता है वो भी हमारी मदद करेंगे। तू फिक्र ना कर बच्चे, तूने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तूने सबका भला किया, तो रब भी तेरे साथ चंगा ही करेगा। वो तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे मेरे बच्चे। तेरे बिल्कुल सही कहा, मैं करण सर को फोन करती हूँ। और वैसे भी करण सर के दिल में दी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा ही, तीने पूरे लूथरा फैमिली की जान जो बचाई है। I'm sure करण सर हमारी हेल्प करेंगे। मैं सर को भी फोन करती हूँ। प्रीता ने मुझसे कहा था कि मुझे शादी से बैकआउट कर जाना चाहिए क्योंकि उसकी शादी तुमसे हो चुकी है और वो ये शादी कभी भी नहीं तोड़ेगी, और बाई चांस टूट भी गई ना तो एलिमनी नहीं छोड़ेगी। सृष्टि का फोन। करण सर प्लीज पिक अप माय फोन, प्लीज पिक अप माय फोन। करण, मुझे लगा था अब तुम नहीं आओगे। अब से टोके हो मुझसे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। करण, आई नो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, सब तुमको ब्लेम कर रहे हैं, पर करण मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मेरे इस हॉस्पिटल में होने का रीजन तुम नहीं हो, मेरी हालत है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। और ये जो भी हो रहा है ना, जो भी मेरी हालत है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। करण सर प्लीज मेरा फोन उठाइए, देखो जरूरत है आपकी, प्लीज प्लीज। अरे यार, I'm really sorry. तुम इस कंडीशन में मेरी वजह से हो।
बाद भी तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रही। I'm really sorry. But I promise, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये करण लूथरा का वादा है तुमसे। I promise. और जब करण लूथरा प्रॉमिस करता है ना, तो उसे निभाता है। तुम चाहो तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकती हो। करण सर, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं उठा? शायद वो बिजी होंगे। दोबारा फोन करती हूँ। शायद बार बार फोन करने से उनको यह एहसास हो जाएगा कि मामला संगीन है, अर्जेंट है, इट्स सीरियस। करण सर, प्लीज। सृष्टि बाबा फोन क्यों कर रही? किसका फोन? सृष्टि का। उठा लो, सकता है उसकी बहन को तुम्हारी हेल्प की जरूरत हो, इसलिए फोन कर रही हूँ। करण सर ने फोन कट कर दिया। क्यों? थैंक यू करण, दिस मीन्स अ लॉट। आई नो अभी तुमने प्रॉमिस किया था, पर मुझे लगा नहीं था, तुमने प्रूफ कर दिया। थैंक्स। सच में बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लग रहा था पिता हमारे बीच में आ जाएगी, मुझे तुमसे बहुत दूर कर देगी। कुछ ऐसा नहीं होगा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि करण सर को कुछ पता ना हो। ऑफकोर्स सब पता होगा। माहिरा का एक्सीडेंट हो गया, शर्लिन ने हॉस्पिटल में पुलिस बुला ली, माहिरा ने गलत इल्जाम लगाकर दी को अरेस्ट कर दिया, और ऊपर से वो रमोना आंटी और करीना मैम का ड्रामा। ऑफकोर्स करण सर को सब पता होगा, तो उन्होंने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? इसका क्या मतलब हुआ रब्बा? इसका मतलब साफ है, क्योंकि वो बात करना नहीं चाहता, वो हमारी मदद करना नहीं चाहता, इसलिए उसने तुम्हारा फोन काट दिया। पुत्र, प्रीता तेरे जवाब का इंतजार कर रही है कि करण ने क्या बोला है, वो आएगा कि नहीं। मैं जाके देखो, बताती हूँ। क्या बताएगी? पहले करण और मेरे बीच में इतनी सारी गलतफहमियां, आई होप कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से गलतफहमी और बढ़ ना जाए और प्रॉब्लम्स ना हो। हे सृष्टि, हो गई बात? क्या बोला करण ने? हो गई ना बात फोन पे? दी की आंखों में कितना इंतजार है करण सर के लिए। दी को पूरी उम्मीद है कि करण सर यहाँ पर आएंगे, और अगर मैंने इन्हें बता दिया कि उन्होंने मेरा फोन काट दिया, तो दी का तो दिल ही टूट जाएगा। दी टूट जाएंगी, मैं दी को टूटने नहीं दूंगी। अरे चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रही? मैं तुझसे पूछ रही, करण से बात हो गई ना? मेरी बात हो गई करण सर से। क्या कहा उसने? तूने उसे सब कुछ बता दिया ना सृष्टि? करण सर ने मेरा फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठा? उसे कैसे फोन नहीं उठा? तूने बोला कि तेरी बात हुई है। हाँ वो, अरे मतलब मेरा फोन नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने खुद दोबारा वापस मुझे फोन किया, और मैं तो इतना गुस्सा हो गई थी, मतलब मैं तो एकदम पता नहीं क्या जादू है करण सर में, मेरा गुस्सा यूँ ठंडा कर दिया। मैंने सब कुछ बता दिया है करण सर को, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे मतलब? वो मुंबई में नहीं है, वो सुबह सुबह बैंगलोर निकल गए, तो उन्होंने कहा है कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ही विल सॉर्ट आउट थिंग्स, वो सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, सृष्टि प्रीता से झूठ क्यों बोल रही है? हाँ, करण के फोन काटने की बात सुनकर प्रीता को तकलीफ ना हो, शायद इसलिए। मुझे लगा ही था कि इस बार करण जरूर मुझ पर विश्वास करेगा और हमारी मदद भी करेगा। वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, चलो अच्छा है, उसने ऐसा कह दिया तो जरूर वो हेल्प करेगा। अब लग रहा है कि शायद सब ठीक हो जाए। जानकी आंटी, लगता आँख में कुछ चला गया है, देखो। क्या हुआ? कुछ नहीं,
मैं बाहर जाके निकालती हूँ, फूक मारूंगी, मारा जाए। आज देखा ना, कोई नहीं पूछता, मैं निकाल देती हूँ सृष्टि। इस बार माँ करण से बहुत खुश होंगी जब अपनी फैमिली से बात करके ये केस वापस लेगा ना और माँ से मिलेगा। तमाम सच में शॉक्ड हो जाएंगी कि करण ने ये सब किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा शौक तुम्हें तब होंगी जब वहाँ दूसरा हाउस पहुंचेंगी और वहाँ सब बिना कुछ बोले कहे ये FIR वापस लेने के लिए मान जाएंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा और ये सब सिर्फ करण की वजह से। दादा थोड़ा जल्दी चलाइएगा, कहीं जल्दी पहुंचना है। हे भगवान, मेरी बच्ची के साथ रहना, कुछ गलत मत होने देना उसके साथ, मेरी मदद करो माता रानी। हेलो सरला, कहाँ तक पहुँचे तुम लोग? बीजी मैं लूथरा हाउस जा रही हूँ। लूथरा हाउस जा रही? अरे मैंने तो तुझे प्रीता को लेने भेजा था। हाँ बीजी, अगर प्रीता को वापस लाना है तो मुझे लूथरा हाउस जाना ही पड़ेगा। वो इंस्पेक्टर कह रहा था कि जब तक वो लोग केस वापस नहीं लेंगे ना, वो लूथरा परिवार वाले तब तक वो प्रीता को छोड़ नहीं सकता। बेल नहीं करेगा, वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए बीजी मैं बाहर लूथरा हाउस जा रही हूँ उन परिवार वालों से बात करने। अरे सरला, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर लूथरा को भी बचाना होता तो वो उसको जेल में डालते ही क्यों? कुछ अपने दिमाग से भी काम ले, वो सब चक्कर छोड़ दे। मेरी बात सुन और वापस जा पुलिस स्टेशन, और वहाँ जाकर कोई और तरकीब लगा और किसी तरह प्रीता को बाहर निकाल। आपको लगता है अगर कोई और तरीका होता तो? मैं वो तरीका नहीं अपनाती बीजी। मैं भी कोई अपने मन से नहीं जा रही हूँ वहाँ पर, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर कोई लूथरा परिवार का कोई इंसान आकर केस वापस ले लेगा तभी वो प्रीता को छोड़ेगा, नहीं तो वो प्रीता को नहीं छोड़ेगा। लूथरा परिवार से मतलब? मतलब बीजी केस लूथरा परिवार की तरफ से हुआ है। अगर उस परिवार का कोई भी इंसान केस वापस ले लेगा ना तो वो लोग केस खारिज कर देंगे और प्रीता को भेज दे देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि माहिरा ही वहाँ आकर केस वापस ले। मुझे तो मॉल में ही समझ में आ गया था बीजी की ये लड़की है ना, इस लड़की का दिमाग बिल्कुल करीना और शर्लिन की तरह चलता है। मैं जानती थी कि वो मेरी प्रीता को जरूर नुकसान पहुंचाएगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहती है। आपको पता है जानबूझकर वो ट्रक के आगे आ गई ताकि वो इल्जाम लगा सके प्रीता पर कि प्रीता ने उसे धक्का दिया, उसे मारने की कोशिश की। और हॉस्पिटल में भी ना उसने जो नाटक किया ना। क्या नाटक किया? बीजी वो खुद बिस्तर से नीचे गिर गई और जब प्रीता ने उसे संभालने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो उसने इल्जाम लगाया कि प्रीता उसे मारना चाहती है, जान से मारना चाहती है। अरे ये लूथरा लोग तो बड़े ही खतरनाक हैं, इनसे तो बच के रहना चाहिए। और एक बात सुन, मुझे पक्का यकीन है मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया, उसका कोई कसूर नहीं है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। देख तू मेरी बात सुन, तू किसी भी तरह मेरी पोती को वापस ले क्या, और फिर मैं तुझे बताऊंगी कि आगे क्या करना है। लेकिन किसी भी तरह तू मेरी पोती को आज ले किया और अभी ले किया। हाँ बीजी, मैं भी यही चाहती हूँ कि प्रीता जेल से बाहर निकल जाए और प्रीता सृष्टि घर वापस आ जाए। इसीलिए जा रही हूँ मैं बीजी, बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो लोग मेरी बात समझ जाएं और केस वापस ले लें। मैं आपकी दोनों पोतियों को लेकर आती हूँ बीजी, जल्दी। अच्छा रखती हूँ। दादा थोड़ा जल्दी चलाइएगा। ना मेरा बच्चा, ना मेरा बच्चा, ना ना ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हाँ मेरा बहादुर बच्चा। गंडी आज मैंने पहली बार मेरे पूरे लाइफ में जिसे झूठ बोला है। मैं झूठ नहीं बोलती तो मैं क्या करती जानकी? मेरे पास कोई चारा नहीं था, अपने दिल को देखा ना। ठीक है, मेरी सबरी से करण सर का इंतजार कर रही है। उनको पूरी उम्मीद है कि करण सर आके उनको बचा लेंगे। वो इस उम्मीद में है कि करण सर उनको गलत बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। लेकिन मैं यदि को कैसे बताऊँ कि करण सर ने मेरा फोन तक नहीं उठाया जानकी? इनफैक्ट मेरा फोन काट दिया। अब मैं क्या बोलूँ दी को? हाँ मैं क्या बोलूँ कि करण सर ने फोन काट दिया, इसलिए मेरे को झूठ बोलना पड़ा। कोई नहीं पुत्र, झूठ बोला है ना तूने, दीदी का दिल रखने के लिए झूठ बोला। हाँ तो कोई गल नहीं जानकी आंटी, जिस तरह से करण सर ने मेरा फोन काटा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि करण सर को सब कुछ पता है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लूथरा जितनी आसानी से एक केस वापस नहीं लेंगे। ये मैं दी को कैसे बताती?
अगर मैंने दी को बता दिया होता तो उनका हौसला, उनकी हिम्मत सब टूट जाते। जानकी आंटी, तो चंगा क्या? तूने तूने टूटने से बचाया, पर टूटने से बचाने के लिए अगर 100 बार भी झूठ बोलना पड़े ना तो बोलना चाहिए। देख मैं पूछना ले, कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं किया तूने। अच्छे, अब तू एक काम कर, तू दीदी के पास रहना, हाँ, दीदी को हौसला देते रहना। और मैं लूथरा हाउस जा रही हूँ और देखती हूँ केस कैसे वापस ले लेंगे। उनके तो फरिश्तों को भी केस वापस लेना पड़ेगा। बस एक बार अपनी प्रीता जेल से बाहर आ जाए, घर आ जाए, फिर हम लोग निपटेंगे लूथरा हाउस से। मेरा बहादुर बच्चा है ना, तू रोएगी नहीं, तू दीदी के सामने टूट जाएगी तो उसको हौसला कौन देगा? दादी जी दवाई। शर्लिन, ये क्या तरीका है दवाइयां देने का? मम्मी जी को स्ट्रिप में से मेडिसिन निकाल के दो ना, तुम तो पूरी की पूरी स्ट्रिप ही दे रही हो। पुत्र, कोई बात नहीं, मैं निकाल लूंगी गोली। इतनी छोटी सी बात के लिए नाराज क्यों हो रही है? नहीं नहीं दादी जी, मेरी गलती है, सॉरी। मम्मी जी, मुझे वैसी दवाई देनी चाहिए जैसे आप देते हैं। नहीं, I'm sorry शर्लिन, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। दरअसल मैं कुछ और सोच रही थी, ध्यान कहीं और था, बोलना कुछ चाहती थी और बोल कुछ और दिया। I'm sorry. I can understand भाभी, इतना सब कुछ हो गया, टेंशन तो होगी ना। मॉम सीढ़ियों से गिर गई, मायरा का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, मायरा की टेंशन हो रही होगी ना आपको। जी करीना दी, यही सब सोच रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी दिमाग में चल रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे कहने का मतलब है कि प्रीता मायरा को ट्रक के आगे धक्का दे दे। नहीं, प्रीता ऐसे कभी नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की है ही नहीं। प्रीता कभी किसी की जान नहीं ले सकती, कभी नहीं। सीरियसली राखी, इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद भी तुम उस प्रीता की साइड ले रही है, उसके बारे में सोच रही है? मैं देखती हूँ, शायद मायरा होगी, डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया होगा, मेबी शी इज फीलिंग बेटर। मैं देख रही हूँ, वही हो। क्या हो गया आपको भाभी? आप हर बार प्रीता को ही सपोर्ट करते हैं। आपने कहा था ना रमोना जी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपको पता है ना आपकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी हॉस्पिटल में है, उनके हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया है। आई थिंक उन्हें फिलहाल इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, और आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए, ना ही उस प्रीता को। कौन है रमोना? आंटी जी, वो आप यहां बैठिए ना, बैठिए। क्या बात है सरला अरोरा, यहाँ कैसे आ गई? कहीं और जाना चाहती थी, गलती से यहाँ आ गई? नहीं करीना जी, मुझे जहाँ आना था मैं वहीं आई। रियली, लेट मी रिमाइंड यू, लास्ट टाइम क्या कहा था तुमने? कि तुम और तुम्हारी बेटियां हमारे घर में नहीं आओगी। हमारा घर तो क्या, हमारे घर के आसपास भी नहीं दिखोगे। फिर क्या हो गया, भूल गई क्या? क्यों आई हो यहाँ पे, जवाब दो सरला अरोरा, यहाँ क्यों आई हो? मैं आपके लिए आई थी प्रीता, इस घर में आपको दर्द हो रहा था इसीलिए। करण का फोन आया तो आना चाहती थी इस घर में, मैंने बहुत मना किया उसे, मैंने उसे कहा कि लूथरा हाउस मत जा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, अपने डॉक्टर होने की दुआई दी,
मैं जानती थी कि जरूर कुछ ना कुछ होगा। मेरी बेटी इस समय जेल में उस गुनाह की सजा काट रही है जो उसने किया ही नहीं। तो क्या हमने गुनाह किया है? आप कहना क्या चाहती हैं आंटी? क्या हम सब पागल हैं या फिर पुलिस वाले पागल हैं कि बिना किसी गुनाह के उन लोगों ने प्रीता को अरेस्ट कर लिया? आपको क्या लगता है हम सब झूठ बोल रहे हैं? एक आप ही सच बोल रहे हैं? नहीं आंटी जी, प्रीता ने गुनाह किया है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि प्रीता ने माहिरा को ट्रक के सामने धक्का दिया। मैं आई विटनेस हूं। तुम बीच में मत बोलो। तुम कितना सच बोलती हो और कितना झूठ ये मैं अच्छे से जानती हूं। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे ये? तुम शायद भूल रही हो इस वक्त तुम लूथरा हाउस पे खड़ी हो और शर्लिन हमारे घर की बड़ी बहू है। वो जो चाहे बोलेगी। मैं देखती हूँ उसे कौन बोलने से रोकता है। करीना दी, ये आप कैसी बातें कर रही है? मॉम, अपनी बहू से कहिए चुप रहें। ज्यादा ही जज्बाती हो रही है ये। वैसे भी फैमिली को सपोर्ट करना तो आपको आता नहीं। हर बार अरोरास को सपोर्ट कीजिए। लेट मी रिमाइंड यू भाभी, आपकी सो कॉल्ड बेटी ने कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया, बहुत बड़ा गुनाह किया है। इस घर की होने वाली बहू को मारने की कोशिश की, उसकी जान लेने की कोशिश की। इस बार उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है।